हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चैप्टर 9 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स चल रहा है। अब तक आपने इसकी एक्सप्लेनेशन समझी है, आज हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे और करेंगे एक्सरसाइजेस बुक में और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में। बट बच्चों, उससे पहले हम ये दोबारा जान लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। द एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, उन जंतुओं के बारे में जिनके शरीर पर बाल होते हैं। विच एनिमल्स लाइक टू लिव टू ग्रुप्स, ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स रहना पसंद करते हैं। कुछ एनिमल्स ग्रुप में ही रहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो है अपना सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। कुछ एनिमल्स शाय होते हैं और आसानी से बाहर नहीं आते। कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। कुछ दिन के समय चारों तरफ घूमते हैं। और कुछ इस बारे में बताया है कि कम्युनिटी, जिसके अंदर, समुदाय के अंदर हम रहते हैं, वो हमारी कैसे हेल्प करती है। तो बच्चों, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, समझी हैं, ठीक है? तो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो अब हम पहले एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्ट ए है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो फर्स्ट है, डैश इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। इनमें से डैश जो है शीप के हेयर से बनाया जाता है। शीप के हेयर को बच्चों फ्लीस भी कहते हैं, जिसके थ्रू वूल बनती है। उस फ्लीस को रिमूव करना, रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द शीप्स बॉडी इज नोन एज शीरिंग। ये एक शीरिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फ्लीस को रिमूव किया जाता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, डैश इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ शीप। शीप के हेयर से क्या बनती है, तो ये आपको मालूम है, ऑप्शन सी, वूल। नेक्स्ट बच्चों, एनिमल्स लाइक टू लिव इन डैश टू स्टे प्रोटेक्टेड। जो एनिमल्स होते हैं डैश में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो सुरक्षित हो जाएं। तो बच्चों, आपने पढ़ा था एनिमल्स ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। आंसर क्या है, ए का, बी का फर्स्ट, ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं, खाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो सभी चीज़ों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एनिमल्स इसलिए ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, एन एग्रिट गेट्स अ जॉय राइड ऑन द बैक ऑफ अ डैश। जो एग्रेट पक्षी है वो किसकी पीठ पर बैठकर घूमना पसंद करता है और उसे खुशी मिलती है। तो बच्चों, आंसर इज सेकेंड, बफेलो। वो बफेलो की पीठ पर बैठकर जॉय राइड करता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, बफेलो के बॉडी के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं। एग्रेट उन इंसेक्ट्स को खाकर बफेलो को रिलीफ पहुंचाता है, ठीक है? और बदले में बफेलो उसको अपनी पीठ पर घुमाती है। नेक्स्ट इज, डैश इज अ शाय एनिमल्स। जो शर्मीले होते हैं इनमें से कौन सा है? तो बच्चों, सेकंड, रेड पांडा। इसमें से जो शाय एनिमल्स हैं वो रेड पांडा है। तो बच्चों, ये आपके MCQs कंप्लीट हो गए। अब पहले हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ए के बाद हम पार्ट सी पर जाएंगे, जो क्योंकि बी पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर्स का है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो इसके बाद हम सी पार्ट पर आते हैं। अब आ जाते हैं फिलिप्स। डैश, डैश इज अ नॉकटर्नल एनिमल। नॉकटर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो निशाचर जंतु होते हैं, जो रात को घूमते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, लेकिन हम सबसे स्मॉल, अच्छी और स्मॉल स्पेलिंग वाला लिखेंगे, आउल। आउल जो है उल्लू, वो भी नॉकटर्नल निशाचर एनिमल है। स्पेलिंग भी छोटी है, याद करना भी आसान है। सेकेंड इज, इन एन आंट कॉलोनी द डैश हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेइंग एग्स। आंट की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर अंडे पैदा उत्पन्न करना, अंडे को देना किसकी जिम्मेदारी होती है? बच्चों, आपने पढ़ा था, जो आंट की कॉलोनी होती है उसमें जो हर आंट के हैं अपने फंक्शंस डिवाइड किए हुए होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो एग लेइंग एनिमल, जो आंट होती है इसमें, वो होती है क्वीन आंट। आंसर क्या है, क्वीन आंट, ठीक है?
तो क्वीन आंट की जिम्मेदारी होती है अंडे देना. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक डैश हंट इन द ग्रुप्स. एनिमल्स जो है जैसे कि डैश, वो ग्रुप में ही हंट करना पसंद करते हैं. बहुत से एनिमल्स हैं, तो यहाँ हमने बच्चों लिखा है ज़ेब्रा. ठीक है, ज़ेब्रा जो है वो ग्रुप में हंट करना पसंद करता है. अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड अ डैश. और शीप के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम फ्लोक, FLOCK, फ्लोक बोलते हैं. ठीक है, स्पेलिंग समझ आ जाएगी, वैसे मैं भेज भी दूंगी और बोल भी रही हूँ, FLOCK, फ्लोक. तो बच्चों ये अब आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं, पार्ट ए और सी. अब हम पार्ट बी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. बच्चों अब हम पार्ट बी पर आ जाते हैं. ऑन पेज नंबर 58, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और यहाँ आपको पार्ट ए के और पार्ट सी के आंसर्स भी नज़र आ रहे हैं. अगर वहाँ पर जैसे आउल की, क्वीन आंट की, ज़ेब्रास की, फ्लॉक की स्पेलिंग समझ नहीं आई हो आपको, तो आप यहाँ से इनको करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देख सकते हैं. तो ये ए और बी पार्ट हम कर चुके हैं, सॉरी ए और सी पार्ट कर चुके हैं. अब हम बी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम फॉर एनिमल्स दैट लाइक टू स्टे इन ग्रुप्स. चार ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. बच्चों एनिमल्स तो बहुत सारे हैं जो ग्रुप में रहते हैं, लेकिन हमसे यहाँ चार ही पूछे हैं, एक दो फालतू भी लिख सकते हैं. एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, मॉन्कीज, हॉर्स, रैबिट्स, गोट्स एसेट्रा. मीन्स एलिफेंट्स हैं, ज़ेब्रास हैं, मंकीज हैं, हॉर्सेज हैं, रैबिट्स हैं, गोट्स हैं आदि. ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जिससे ये किसी का शिकार ना बन सके. बेटो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आता है, नेम द एनिमल्स दैट गिव अस वूल हनी. ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जिससे हमें वूल मिलती है, और हनी मीन्स शहद मिलता है. तो वूल, शीप, गोट, कैमल, याक एसेट्रा. शीप से, गोट से, कैमल से, याक से आदि से मिलती है, बहुत से एनिमल्स से मिलती है. यहाँ हमने 3-4 ही नाम लिखे हैं. और हनी हमें हनी भी, शहद की मधुमक्खी जो होती है, जिसको मधुमक्खी कहते हैं, शहद की मक्खी कहते हैं, उससे हमें हनी मिलती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू सब एनिमल्स लाइक टू स्टे इन ग्रुप्स, गिव 2 रीजंस. कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, 2 कारण बताइए. एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं. बच्चों कारण तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ 2 पूछे हैं तो हम 2 ही लिख रहे हैं. टू स्टे प्रोटेक्टेड, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. टू टेक केयर ऑफ द यंग वंस एसेट्रा, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए. बच्चों ऐसा होता है ग्रुप पे बहुत सारे लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो एल्डर एनिमल्स होते हैं वो घर पर ही रहते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं, और जो यंग एनिमल्स होते हैं वो खाने की तलाश में जाते हैं बाहर. ठीक है, अगर सभी घर से बाहर चले जाएंगे तो बच्चों की टेक केयर कौन करेगा, कोई भी कार्निवोरस एनिमल्स आकर उसको खा सकता है, मार सकता है. इसीलिए जो एल्डर होते हैं वो घर पर रुक के बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और यंगर जो होते हैं वो खाने की तलाश में ग्रुप में बाहर जाते हैं. नेक्स्ट, हाउ इज लिविंग इन अ कम्युनिटी हेल्पफुल टू अस. कम्युनिटी में रहना किस लिए हमारे लिए सहायक है. वी कैन शेयर न्यूज, व्यूज, कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय शेयरिंग आइडियाज, सेलिब्रेट द हैप्पी मोमेंट्स एसेट्रा. मीन्स कि हम शेयर कर सकते हैं अपनी न्यूज़ को, अपने व्यूज को, और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, और हैप्पी मोमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं. कहने का मतलब है हम अपनी न्यूज़, अपने अच्छे जो सोरोज हैं और जो हमारी हैप्पीली थिंग्स है, न्यूज़ है, वो उनको बता सकते हैं आपस में, जिनसे हमारी बनती है, विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और अपने जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको भी सेलिब्रेट करते हैं. जैसे आप अपने बर्थडे पे फ्रेंड्स को बुलाते हो, रिलेटिव्स को बुलाते हो, घर में कोई फंक्शन होता है तो हमारे रिलेटिव्स आते हैं. तो इस तरीके से हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और जो हमारे लिए उपयोगी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं. तो बच्चों अब ये 9 चैप्टर के एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं.
आप इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और एक्सरसाइजेस को बुक में और क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में लिखेंगे और मेरे से चेक करवाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।